director of BSM Pakistan, and today we are so excited that we are going to complete our 100 projector show. And since I am doing the ministry work in Pakistan, this is the first time through the projector shows that I feel that I am doing the real deal with God. So God bless you very much. ठीक सर जी यसु का वेलकम कीजिए शाबाश यसु के लिए किसी साल के लिए नहीं शाबाश यसु के लिए अब यसु के लिए हम एक मिनट नहीं बल्कि 30 सेकंड तालियां बजाएंगे यसु के ऊपर दिखाएगा सिर्फ अपने आप को बड़ा समझे और हमेशा मैं की रट लगाएं या अगर जो इसमें कहे कि मैं सिर्फ मैं हूँ हम सब इसी तरह ही करते हैं हमें इसकी कुर्बानी देना है और इसके लिए आप शर्म महसूस ना करें मुझे बता दें कि आप अपने खुदी से इनकार करने से क्या मुराद है हमें बहुत कुछ बर्दाश्त करना है इसलिए आपको हमेशा तैयार रहना है हालांकि एक छोटे बच्चे की माने इस तस्वीर की तरफ देखिए यहाँ एक लड़की अपनी छोटी बहन की मदद कर रही है ये लड़का अपना सेब ऑफर कर रहा है दरहकीकत ये छोटे बच्चे भी अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए वक्फ कर रहे हैं आप इब्तदाई से ये सब कुछ शुरू कर सकते हैं यीशु मसीह के साथ आपकी मोहब्बत किसी भी चीज़ से सबसे ज़्यादा होनी चाहिए
इस तस्वीर की तरफ देखिए, यहाँ लिखा है मदद। ये वो मदद है जिसके जरिए आपको अपनी स्लिप उठाना है, जो कि खुदा की तरफ से है। मेरा साउथ अफ्रीका में एक दोस्त है जिसका नाम रे है। एक दफ़ा वो खुदा के लिए काम करके बहुत थक गया। वो अपने कमरे में गया और सो गया। फिर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो उसने कहा कि मैंने बात नहीं करनी, मैं बहुत थक गया हूँ। तो खुदा ने उसे जवाब दिया, आए जिन्होंने हाथ उठाया है वो अपने हाथ खुदा में बुलंद रखें, क्योंकि खुदा हमेशा हाथ बुलंद कर दिया जाता है। आप सब अपनी आंखों को बंद करें, संजीदगी से सब अपनी आंखों को बंद करें, कोई आंख खुली ना हो। बहने भाई, अगर कोई बहन हंस रही है वो नीचे बैठ सकती है, जो बहने हंस रही है वो नीचे बैठ सकती है। हालेलुया, ये संजीदगी का वक्त है, ये मजाक का वक्त नहीं है। आंखें बंद करें और सब बुलंद आवाज में मेरे पीछे कहिएगा, आए खुदा यीशु मसीह, मैं आज अपनी स्लीप उठाता हूँ और तेरे पीछे चलूंगा। दुनिया की कोई दुख, परेशानी, तकलीफ, गम मुझे तुझसे जुदा नहीं कर सकती। आइए सुसी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मेरी जिंदगी में आ और कसर से काम कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यीशु मसीह, आई बाप खुदावन, मैं आज अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ। ओ रब पर रसम दौर रखा, रब सा इंदर रब रसम दौर रखा, बा पूरा तेरे पाप का बसा कसर से इन जिंदगी के ऊपर उठे छूना शुरू करे, तेरे पाखरों ने कस से छूना शुरू करे। और अपारा संदूर रख वह खुदा, सारे खादमी के साथ मिलकर मैं खुदा जितने बेवार है तेरे यीशु नाम आपकी जोरदार ताली में इन क्लब में कर से शुरू करे। और इससे पहले हम तलीम याफ्ता है, मैड्रिक की तलीम है हमारे पास, और वरना हम बाइबल के मुतालिक कुछ नहीं जानते थे। इस शो के वसीला से अब हम, मैं मुबशर हूँ और दुनिया के कोने कोने तक खुदा का कलाम पहुँचा सकता हूँ। बाइबल स्कूल खुलने से पहले हम कुछ नहीं पढ़ते थे, नमाज नहीं करते थे, लेकिन बाइबल स्कूल खुलने से हमने दुआ की, 20 आयतें सीखी और 6 टॉपिक सीखे, और हम घरों में दुआ करने जाते हैं। एक भाई को 3 दिन से बुखार था और उसका बुखार नहीं उतर रहा था, तो हमने दुआ की और उसका बुखार उतर गया। पहले प्रोजेक्शन शो हुआ हमारे पास और सर नदीम साहब आए और उन्होंने आकर एक बाइबल स्कूल खोला, जिसके जरिए हमने 20 आयतें और 6 टॉपिक सीखे। और सर इमरान ने हमारे अंदर वो जज्बा पैदा किया कि आप जाएं और लोगों के घरों में दुआ करें, तो हम दुआ करनी शुरू की हमारी टीम ने। तो हम एक दिन दुआ करने के लिए जा रहे थे कि एक आदमी के घर, हमने कहा कि हमें दुआ करने के लिए मौका दें, लेकिन उसने कहा कि आपको किसने अख्तियार दिया कि आप ये दुआ करें, और हमें हमारे साथ झगड़ना शुरू कर दिया और हमने वहाँ से चले गए। और दूसरे दिन जब सर इमरान आए तो सर इमरान से कहा, और सर इमरान ने कहा कि आप दुआ करें, वो आदमी दूसरे दिन आपको खुद कहेगा क्या है, हम आप हमारे घर दुआ करें। और जब हम दूसरे दिन उनके घर के करीब से जा रहे थे तो उसने आवाज़ मारी कि भाई आप आज हमारा घर क्यों छोड़कर जा रहे हैं, आप आएं और दुआ करें। असी शुक्रगुजार इस दायरे दे जिन्हें सानू अच्छा एक टीचर दिता है, उन्होंने सानू बाइबल सिखाई, असी बड़े खुश हाँ, असी इन्हां दे शुक्रगुजार जानदा। ते कर सर जी रूप साहब BCN
बी एस एम की तरफ से दारे की तरफ से आए तो उन्होंने सू सिखाया और मैं पढ़िया। मैं जो भी पढ़ता मैं अपनी बीवी और अपने बच्चों 4.5 साल का है जब सर जी आते हैं और मुझे बताते हैं और फौरन वजह आता सर जी आ गए वो मेरे साथ रात को चर्च जब सर जी आते हैं मेरे साथ ही रहता है। और मैंने कलाम भी सीखा है और मिसाल की किताब भाई बाप 6 है।